जा रहे जी मीडिया पर, जहां पर ये पूजा हुई है। आप भी तस्वीरें देख लीजिए, ये वो तहखाने जहां पर ये पूजा हुई है। जी मीडिया के पास तहखाने की अंदर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिएगा वीडियो, आप देखिएगा ये पूजा हो रही है इसी तहखाने में। ये देखिए घंटी की आवाज, ये वो तहखाना है ज्ञान व्यापी के अंदर भीतर की तस्वीर। तहखाने में इसी जगह हुई है पूजा, व्यास तहखाने में दूसरे दिन भी पूजा। तहखाने हैं, पुरोहित कर रहे हैं पूजा पाठ, पहली बार कल रात हुई थी पूजा। ये वो तहखाना है जिसमें पूजा होती थी, पहले हिंदू पक्ष का मानना है 1993 तक, लेकिन 1993 के बाद। नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। नीतीश ये तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जरा बताइए इन तस्वीरों के बारे में। नीतीश देखिए जो तस्वीरें जी मीडिया सुबह सुबह से चला रहा था कि पूजा यही हो रही है, अब ये पूजा जो तस्वीर है वो पूजा पूजा की तस्वीर अपने सामने आ चुकी है। और देखिए किस तरह से 1450 डिग्री से ये पूजन हो रहा है, और इस पूजन को करने वाले जो पुरोहित है किस तरह से हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। सामने जो मूर्तियां है वो आपको दिखाई दे रही है, और लाल कपड़ा ओम लिखा हुआ यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इस पूरे लाल कपड़े पर प्रणाम करते हुए ये जो पुरोहित आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो पूरा पूजन का जो पूरा कार्यक्रम है उसको सफल करते हुए। आपको बताएं कि जिस तरह से जो हिंदू पक्ष है वो ये दावे कर रहा है कि 1993 तक यहाँ पूजा होती रही, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन सरकार के दबाव में बिना किसी लिखित आदेश के पूजा को बंद कराया गया। उसके बाद फिर अब हिंदू पक्ष सामने आता है और उसने अपील की यहाँ पर पूजा शुरू कराई जाए। व्यास जी की बात है, और ये परिवार लगभग 400 सालों से इस क्षेत्र पे इस जगह पे पूजन कार्य को करता था। यहाँ पर पाठ किए जाते थे, हनुमान चालीसा के पाठ किए जाते थे, और उसके साथ ही जो अन्य पूजा पाठ है वो किए जाते थे। अब उसके बाद से ये बंद हो गया 1993 के बाद, तत्कालीन सरकार के दबाव में बंद हो चुका था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब फिर से यहाँ पर पूजा शुरू हुई। कल रात्रि की पूजा और फिर आज जो पूजा हुई है 1450 डिग्री से, कुल 5 वक्त यहाँ पर पूजा होगी, ऐसी जानकारी सामने आई है। और ये जो पूजा की तस्वीर, नीतीश जो हिंदू पक्ष है, जो व्यास परिवार है, वो काफी गदगद है, खुश है, लगातार आप बात भी कर रहे हैं उन लोगों से, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जता दिया है। मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ कभी पूजा होती नहीं थी, और मुस्लिम पक्ष ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, याचिका भी लगा दी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। अब देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, हालांकि मैं अपनी राय नहीं व्यक्त करूंगा, लेकिन जो हिंदू समुदाय है उनकी बात मैं कह रहा हूँ। हिंदू समुदाय साफ तौर पर ये कह रहा है, और काशी का रहने वाला हर कोई ये कह रहा है कि इस जगह पर पूजा पाठ और अन्य जो पूजन विधि है वो की जाती थी। पाठ तो यहाँ पर कहे की अक्सर होते रहते थे, और व्यास परिवार कोई नया परिवार नहीं है, पूरी काशी जानती है कि व्यास परिवार इस पूरे परिसर से किस तरह से जुड़ा है। 400 सालों का इतिहास है। और अभी आपको बताऊं कि जिस तरह से 1993 में ये पूजा बंद कराई गई थी, तो पूरी काफी इस पूरे व्यवहार को लेके मरमाहट थी, लेकिन कुछ कोई कह नहीं पा रहा था। अब कोर्ट ने आदेश दिया, आदेश के बाद रात्रि की पूजा शुरू हुई। हालांकि मुस्लिम समुदाय इस पर ऐतराज जता रहा है, वो ये कह रहा है कि रात में पूजा क्यों कराई गई, अरे कोर्ट की अनुमति थी तो पूजा वो कराते, सुरक्षा का हवाला दे रहा है जो यहाँ का जिला प्रशासन है। इसके अलावा गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, उन्होंने मुहूर्त देखा, ये सारी वजह है। अब हिंदू समुदाय भी अपने दावे कर रहा है, मुस्लिम समुदाय जो है वो कोर्ट की शरण में। चलिए नीतीश, अब ये देखिए, अब कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष पहुंच गया है, अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर क्या होता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए